राम राम करो महादेव। जन हो कि सवेरे के बच चुका अभी यार, तभी तो जात रही कहीं और, तभी बीच रास्ते में रुकल रही, तो सोचली कि आज का ब्लॉग एजिंगे से शुरू कर जाओ, तभी तो एजिंगे से शुरू करती ब्लॉग। और बहुत तेज धूप आ चुका है, जाए के मूल रूप से मौसी के यहाँ, वो तो जो अभी स्कूटी से जाती, हेलमेट वेलमेट देखते वाला लोग लगौले वाली, तब स्कूटी की स्टार्ट करती और फिर चला थे एजिंगे से। नीतीश बाबू तो एक काम बढ़िया बिहार में कैले हों, जो कि रोड एकदम बढ़िया बना दिले हों, कहीं गड्ढा उड्ढा ना दिखेला, ये काम एगो नीतीश चाचा का बढ़िया है। वही देखते वो का गजब का रोड है, एकदम छलकत है। Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. भाई तो गांव में पहुंचे ही वाला है, देखत भाई गांव का रास्ता गांव ही हो गया है। तो भाई तो आ चुकल वाली मौसी के घरे, तो जौन है कि देखत हुआ कुल पूरा बगीचा वगैचा लगल हो, यार आई कुल देखत हो कुल अमरूद का बगीचा है, पाँच छः पेड़ हो, तो अमरूद का पूरा में लगल है, मैं देखा अमरूद फरल भी हो, फरल है में जड़े जड़ फरल हो। अहिया सामने जिंगी दुआर हो वाला घरवा है, जो नीला गेट वास के अंगवा दिखा था, तो वाला घरवा हो और ही पूरा दुआर वार हो, इहे कुल हो। तो अभी तेजिंगे है कुछ समय, फिर जिंगी से चलब घरे, तो अभी तेजिंगे बैठल बनी। आप लोग देखा तो वह कुल लकड़ी रखल हो काट वट के, और नहीं गेटवा देखा तो यही में गैया रहले, हेयर देखा कुल गोईठा रखल जना कुपले बोलल जला। तो भाई चलत ही घरे और पानी उनी पियल जा, फिर जिंगे से प्रस्थान कर जा, अभी तेजिंगे से रिटर्न चलत है। और हाई एगो सामान थमा दिली में कुल सब्जी उब्जी हो, तो इनका कहीं फड़त मौसी के, तो थमा दिली तब लेके जात है, क्या करे वही तो चलत है जिंगे से। तो भाई तो आ चुकल वाली घरे, और हाई जन आप लोग देखा था हम ना स्कूटिया पे जो पपुआ रखल बात, ये लेके चलते जब पोखरा पे लगावे, काहे कि पानी निकाल जरूरी है पोखरा का, लगा था। अभी तो आ चुकल है तालाबे पे और पंप सेट हो था, तो अभी तो चलते पहले लाइन के लगावे के, तो भाई तो चलते हुए लाइन लगावे, ये पोलवा पे लाइन चढ़ावे के, कहीं को जेंगे ट्रांसफार्मर बिगड़ गए, जेंगे से पोल पर सब लाइन चढ़ा के जाला, तभी तो चलत है जेंगे लाइन चढ़ावे। भाई लाल पीला नीला हरा तरवा देखा तो यही चढ़ावे का पोलवा पे, तो बड़ा आफत हो चढ़ाए में, अब एक लगी खोजल जाओ। तो भाई तो लाइन लगा दिले हई, तो भाई तो चलती फिर पोखरा पे, ओके जोड़ दे ही कनेक्शन दे दी, ओके पंपवा के पंपवा स्टार्ट हो जाए, तब तो चलती पोखरा पे जेंगे तो जोड़ दिले हई, और यहाँ देखा पूरा खेत जोता चुकल है सुखला। तब भाई तो हरा वाला पाइप के पानी में डालल जाता हो, एक सेक्शन कल जला, तब यही से पानी खिंचाई और पंपवा खींच के बाहर फेंकी, तब एक अच्छे से पूरा नीचे जता देवल जी ना, तो ऊपर ना आए, नहीं तो पानी बार बार छोड़ देला, तो वह अभी अंडा में बांधल जाता हो। भाई तो मोटर चालू हो गया, जैसा कि आप लोग देख सकत हुआ कहीं मोटर चालू हो गया, और देखा तो होर तीन चार गो आदमी दिखत हो ना, तो उन्हीं का खेत में पानी जाता हो, और अभी हमन के तालाब में इतना पानी है, तो पानी पूरा निकाल जरूरी है। और देखो कहे से कि एगो में हवा में बरारी मछली है, जो बरारी मछली हो खेला कि जो कोनो जीरा डाले जी ना बच्चा वो खा जाले, तो यही वजह से उसके निकाल जरूरी है, तब वही निकाले खातिर एक पूरा हुदे पड़ता, तो यह तो दिक्कत होता, तो बस ये रहो सा भाई, तो चलत ही छाहे कहीं बैठे। तो भाई तो देखा तो जिंगे आमे के पेड़ के नीचे बैठा लाई है, तो भाई तो तालाबे पर से जाते घर पे खाना खाए, फिर खाना खा के जिंगे आई, तो भाई तो चलत है स्कूटी से ही, अरे बाप रे बाप, बड़ा तेज घाम कर देना भगवान जी अभी के था। तो भाई तो आ चुकल घरे, भाई चलते खाना खाए, खाना खा के फिर चल तुरंत। तो भाई तो हम आ चुकल पोखरा पे, और पोखरवा का पनिया बड़ा सरकत ना हा हो, बड़ा कम सरकत है, अभी चलते हैं। सबेरे से करीब करीब पाँच घंटा चल गए है, तो हम अभी तो उनका खेत में जाता हाई वाला खेत में ना ही हाउ वाला जो अंगवा दिक्कत है हरियर का दूसरका नंबर ओम में जाता पनिया, तो देखा तो खेतों आता भींग गए हाइयो। अब भाई तो चलत ही बैठी है जी के, कितना ही जंगल लग गई हो, ये काटे के जाता है कुल, देखा तो कूस लग गए ससुराल में, कीड़ा मकोड़ा रही हन ले हन जिंदगी हाच दी हन। तब भाई तो फिर आ चुकली घर से तालाबे पे, अभी बैठा रही जेंगे अमरूदे के पेड़ के नीचे, तो अभी हमके एगो दिख गई है बिस्खप्पर, तो आप लोग को दिखावत है जूम कल ही थोड़ा सा, ये बाहर निकल बाहर निकल, ये देखिए ये जो दिखा था ना हेठ है, एक बाहर निकला था बाहर निकला था, ये बाहर निकल कल मछली पकड़े आए से तालाबे में, मछली पकड़ ले है, तो ये बिस्खप्पर इतना बड़ा है। तो भैया था हमें जिंग तालाबे पर बैठल है, हमके दिख गई है कुकुर का हड्डिया की कौन सी हड्डिया, ये में दांत बटे देख, हाँ ये हड्डिया है जो हमके दिखल है, ये में देख सकी आप लोग, ये में दूगो दांत लगत है,
और है एक बाकी पैर है कि का है पता नहीं, पर जबड़ा मदीन हमके लगत है काहे कि हेयर है मोलर प्री मोलर टाइप का कुछ दिखत है तो जे जबड़े हो सकेला। मैं फेंक दी बक ये सब चीज दिख जाला ना तो आदमी डर भी जाना ऐसे तो नहीं होता है। शुद्ध हो जाए जब तो शुद्ध हो गईली। One hour later. तो भाई तो मछली मारे शुरू होता हो देख सकें आप लोग कि दो लोग में हेलल हों जो पानी में अभी जायजा लेते हों जो मुआयना करते हों कि पानी केयर कितना है ओकरे आधार पर फिर जाल लगी। एक जनी हाथे में जाल ले लें वो छोटा नहीं जाल है तो बस इनमें एगो बरारी ही है मछली जैसे पहले बतौली वह बरारी मछली के खाली छनावे गया तो बरारी मछली ही है वही के निकाले के नहीं तो वही देर में बच्चा फिर डाल तो फिर बच्चा को नुकसान पहुँचाए यही को तो निकाले क्या तो वही कभी मुआयना करते होंगे कहाँ ही है बरारी फिर ओकरे बाद जाल लगी तभी देखा अपने लापरवाही का नतीजा है। तो भाई तो मुआयना काम खत्म हो चुका अभी जाल लगा दे हम लोग अभी तो मछली मराए शुरू हो अरे नहीं पकड़ाई रे भाई पकड़ तो ले लस अरे ओके पनिए में रखा जा जलिया पनिए में। तो भाई तो बड़रिया भेटा चुकल हिया बड़रिया रहल से 6 किलो 800 का आप लोग के दिखावत है कितना ओकर वजन है। रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का क्या कहा था जाके वेट लिख दा चलो 6 किलो 800 रहल से ना। हाँ 6 किलो 800 बजारी काली तो का होयो देखो वारी में जा सकते और चल मछली नहीं मरल हवे हो गल 8 किलो का मछली 7 किलो का 7 किलो का 6 किलो 800 कर रहा से बड़रिया तभी बड़रिया तो भेटा के लिया और जो ना कि अभी बाकी कुल मछली मरा था। तो भाई तो कोमल कार हो गल रेहू हो गल नैन हो गल ये तीनों को मछली मरा था। तो भाई तो मछली मारे का कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ा था तो मछली मरा चुका है मछली मारे का कार्यक्रम खत्म हो चुका है टोटली। तो अभी तो सांझी की वजह तो 3:30 होता तो अभी देखा तो बड़ी तेज धूप है हमारे चेहरे पे कितना तेज धूप लगा था ये देखा भगवान जी का भी के चमत्कार और ये बाप रे बाप का मस्त व्यू बा ऐसा लगा था ना कि बर्फीला पहाड़ के पीछे से सूरज भगवान निकला था वहाँ इतना मस्त सीन है। तो खैर इन सब बात के नज़रअंदाज करके अब चला थी पंप स्टार्ट करके कहे कि बड़ी कम पानी रहा सा पानी पूरा हिरा चुका है मतलब मिट्टी में पूरा सना चुका है तो मिट्टी सनाए के वजह से जब मछली सांस लिए तो गिल में मट्टी भी जाए जैसे दिक्कत होगी तो मछली का प्योरीफाई करे खातिर उनमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर देवल जा था ये अपन पंप है यही के बस स्टार्ट करे चला था तो बस 10-15 मिनट में पानी स्टार्ट कर दे तो फिर मछली मतलब सही कंडीशन हो जाए सर। तब भाई तो लाइने नहीं है तो पंप कहाँ से चल पाई तभी तो पंप ना चल पाई तब लाइट आई रात में तो रात में ऑटोमेटिक अपन है ऑटोमेटिक पंप चले लगे तो बस यही आज करा सर दिन भर आज। तो भाई तो पूरा अंधेरा हो चुका लो अभी चलते घरे खाना वाना खा के फिर तब आई तभी ब्लॉग के तेजिंगे एंड करती आई होप आपके ब्लॉग पसंद आए की ब्लॉग पसंद आए की तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो जा लाइक शेयर कमेंट जरूर करो जा मिलती फिर एक नया ब्लॉग के साथ ब्लॉग देखे का दिन बहुत बहुत धन्यवाद बाय बाय। रेहू मछली है जौन हो देख सकें आप लोग कितना फाइन मछली है।